idea of the length, but yet it's contemporary and cool, and then the graphic diagonal stripes gives it a very cool young look. And again, so I think there's some unicorns on your sleeve, there's a city on the moon, it's Anju fantasizing yet again. And the umbrella is not to be missed. Way of putting this together, and yet it's so unique because you won't see anybody else look like that, and that's what's beautiful, and I think it's so important. हिस्ट्री के बारे में बताती है, शराराज हैं, कुर्तीज हैं, लॉन्ग कुर्ता है, फर्शी हैं, दुपट्टा बहुत खूबसूरत डेलिकेट्स हैं, तो ये कुछ अपनी हिस्ट्री की बातें करते हैं, उसको मॉडर्न तरीके से किस तरीके से हमने डिज़ाइन किया है, दोनों को मिक्स किया है, कुछ नया कुछ पुराना मिक्स करके। रामलीला में आपने जो डिज़ाइन किया था वो लोगों ने काफ़ी पसंद किया था, पर अभी हाल ही में जो है एक फिल्म आने वाली है ब्राह्मण बाजीराव मस्तानी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का कॉस्ट्यूम होगा उसमें, क्या कुछ देखने मिलेगा? बाजीराव मस्तानी पुरानी 16-17 सेंचुरी की हिस्ट्री हिस्टोरिकल मूवी है, तो उसमें भी वो पुराने अपने जो अंगरखे होते थे, मुगल टाइम की ड्रेसिंग थी, महाराष्ट्रियन ड्रेसिंग है नौवारी साड़ी की, और उसमें एक और कैरेक्टर है जो कि ये लहंगा शरारा दुपट्टा पहनते हैं, आप मूवी की वेट कीजिए, मूवी देखिए। फिर एक्सपीरियंस कैसा था, मतलब संजय लीला चल रहा है, संजय लीला बंसाली इज अ मैवरिक, वो एकदम जादूगर इंसान है, वो क्या बना डालते हैं पिक्चर का, और कुछ उनकी आइडियाज़, कुछ मेरी मेहनत और मेरी आइडियाज़ मिलजुल करके जो तीसरी चीज़ बनती है वो बहुत खूबसूरत होती है। सर संजय लीला और कौन से ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके लिए आप कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करना चाहेंगे, जिनकी फिल्म आपको लगती है काफ़ी ज़्यादा यू नो
कॉस्ट्यूम डिजाइन के काफी मॉडल्स जैसे करण जौहर हैं या फिर आप और भी डायरेक्टर्स हैं? एक साउथ के हैं, मणि रत्नम है, बहुत खूबसूरत काम करते हैं, फिर आशुतोष गवारीकर हैं, बहुत लोग, सबको अपनी फिल्म के हिसाब से। करण जौहर की बात आप कह रहे हो, ये काफ़ी खूबसूरत कॉस्ट्यूम के हिसाब से पिक्चर को एक अलग आयाम देते हैं, विच इज़ गुड। क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने हजारों साल की हमारी हिस्ट्री है, वहाँ से मिलती है। कभी हम किसी हिस्ट्री को लेते हैं, कभी हम अजंता एलोरा की इंस्पिरेशन लेते हैं, कभी हम पर्शियन कलेक्शन की लेते हैं, कभी किसी वक्त में हम फेरी टेल एज अ कलेक्शन की इंस्पिरेशन लेते हैं, तो कहानियों की कमी नहीं है। तो उसके बाद आप वहाँ से कहाँ जाते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को लेके, वो एक हर बार का एक नया चैलेंज है। दीपिका पादुकोण है, प्रियंका चोपड़ा है, बहुत सारी हैं, अनुष्का शर्मा है, आलिया भट्ट है, ये सभी बड़ी खूबसूरती से तैयार होती हैं। सोनम कपूर है। अच्छा, जैसे आपने कहा कि दीपिका आपको सबसे फैशनेबल लगती है, कैसा लुक होगा उसका बाजीराव मस्ताना में, कुछ बताना चाहेंगे? वो आप मूवी के वक्त ही देखिए, अभी तो इतना ही कहना चाहूँगी कि वो एक मेन कैरेक्टर ऑफ द मूवी है, हिस्टोरिकल मूवी है, उस ज़माने की बात है, तो उस ज़माने में जिस तरह के कपड़ों की ज़रूरत होती थी, जिस तरह के ड्रेसिंग चलती थी, वही हमने रिक्रिएट किया है। मतलब कह सकते हैं कि राजा महाराजा के अंदाज में दिखाई देने वाले हैं दीपिका और रणवीर? दीपिका राजा महाराजा के अंदाज में तो है ही, वो एक मुस्लिम कैरेक्टर है, तो उसने शरारा कुर्ती उस किस्म के कपड़े पहने, और बाजीराव ने कुछ राजसी म्यूजियम डिज़ाइन के कपड़े पहने। वोग वेडिंग शो अपने आप में एक यूनिक इवेंट है, जहाँ पर वो सब वेडिंग से संबंधित हर एक सर्विसेज को इकट्ठा प्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें डिज़ाइनर हैं, कपड़े बहुत अहमियत रखते हैं वेडिंग के वक्त में, फिर ज्वेलरी है, इवेंट मैनेजमेंट है, फ्लोरिस्ट है, बहुत कुछ है, मेहंदी वालियाँ हैं, तो ये सारी हमारी कल्चर में वेडिंग को बहुत ही माइलस्टोन माना जाता है किसी की ज़िंदगी का, तो उसके लिए वो जब इवेंट बनाते हैं तो उसमें किन किन सर्विसेज की ज़रूरत है उसको इकट्ठा बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बेस्ट ऑफ द कंट्री टैलेंट को दिल्ली में ये लेके जा रहे हैं। All the best, thank you so much.